माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में चलिए हम जुड़ते हैं शिवरी नारायण से, जहां उपस्थित हैं गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत डॉक्टर राम सुंदर दास जी। हम आपको बता दें, इस स्थापना दिवस समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ माननीय राज्यपाल महोदया हमसे वर्चुअल रूप से जुड़ी हुई हैं और वे लगातार इस कार्यक्रम से जुड़कर इसे देख रही हैं और कुछ ही क्षणों में हम उनका आशीर्वचन भी सुनेंगे और साथ ही नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं वर्चुअली। और ये हम आपको लिए चलते हैं शिवरी नारायण, जहां अभी अभी कुछ समय पहले राम वनगमन पर्यटन परिपथ की सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। महाराज प्रणाम। आवाज नहीं आता महाराज, वहां के अनम्यूट कराओ आप, वहां चालू नहीं हो पाए। नेट में को जिन ऑपरेटर हुई बोला बोला अनम्यूट करे बर कंप्यूटर से, ये माइक तो ठीक हुई, कंप्यूटर ला अनम्यूट करे। कौन है ऑपरेटर? मास्क हटा के बोला तो महाराज, मास्क हटावा तो हाँ, अब बोला तो भला नहीं आवाज महाराज, वो अनम्यूट नहीं हुए। आज राम वनगमन पथ के दो जगह के विस्तार और विकास के शिलान्यास हमन करें हैं, तो आप सब लोग महाराज शिवरी नारायण की भू है और आप जुड़े हो, ये अवसर में आपके दर्शन भी हुई और आशीर्वचन भी लेना चाहता हूं, तो माइक वगैरह शुरू करवाओ महाराज, कैसे नहीं चालू होते। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ अब आगे महाराज आवाज। जांजगीर जिला के गौरव अपन बढ़ाए है, हम शिवनारायण और खरौद नगर का अपन गौरव बढ़ाए है। सदियों से भगवान शिवनारायण शिवनारायण नगर में विराजित हैं और आज इतना अच्छा शुभ अवसर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस के अवसर में राम वन पथ गमन के शिलान्यास आप करें, हमन भी यहाँ करे हैं, तो एक लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा मंत्रिमंडल धन्यवाद, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल महोदय ला भी बहुत बहुत धन्यवाद कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा भारत और विश्व में शिवनारायण का नाम लागे बढ़ाए के लिए आप कने काम करे है। एक लिए हमारे पूरा शिवनारायण नगरवासी क्षेत्रवासी पूरा जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन और हमारे सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिमन जन समूह मन हमारे पत्रकार बंधु सबके सब आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सब आशा करते हैं ये जो काम भूमि पूजन हुई से यह बहुत जल्दी पूरा हो और आ करके स्वयं शिवनारायण भगवान दर्शन के कर लोकार्पण भी आप करा, यही हमन कामना भी करना चाहता। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वचन पर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और आप एक माध्यम से पूरा प्रदेश ये कार्यक्रम देखा थे, शिलान्यास भी हुई आपके आशीर्वचन। अब कोरोना काल चला थे, ये समाप्त हुई तब तक के निर्माण कार्य भी हो जाए, तो हमने निश्चित रूप से भगवान शिवरी नारायण के दर्शन करे भी बाबू पूरा मंत्रिमंडल के साथ और सब विधायक मन के साथ और राज्यपाल महोदय भी केबो के आप चलो, वो भी निवेदन करबो, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से भी निवेदन करबो के वह आई तो सब जन मिलजुल के वहाँ जाके पूजा अर्चना भी करबो और लोकार्पण भी करबो। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।